दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों जहां एक तरफ पाकिस्तानी शायकीन में क्रिकेट अपनी टीम की खराब कारकर्दगी पर अफसोसा है तो दूसरी जानिब एशिया कप का फाइनल भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान दुबई में खेला जा रहा है। भारतीय शायकीन में क्रिकेट अपनी टीम के सातवें बार चैंपियन बनने के लिए पुरामीद है तो साथ में बंगाली टाइगर्स भी अपसेट करने को तैयार है। पाकिस्तानियों की दुआएं बिलाशुबा बंगाली भाइयों के साथ हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उत्तरी टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग की दावत बांग्लादेशी टीम को दी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टॉस जीतकर कहना था कि हम सारे टूर्नामेंट में रनर्स का ताकुब ही करते हैं, आज ये आखिरी मरहला है, इसमें भी अपने प्लान पर कायम रहेंगे। जबकि बांग्लादेशी कप्तान का कहना था कि भरपूर मेहनत करके टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं, बड़ा स्कोर करके दिफा करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल बांग्लादेशी टीम के कप्तान मशरफी मुर्तजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसी बात कह दी कि जिससे न सिर्फ उन्हें बांग्लादेश और भारत में दाद दी जा रही है बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों के भी दिल जीत लिए हैं। बांग्लादेशी कप्तान से जब एशिया कप जीतने से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वो इसी दिन एशिया कप जीत गए थे जब पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ तमीम इकबाल टूटे हुए हाथ के साथ बैटिंग करने ग्राउंड में आ गए थे। बेशक ऐसा क्रिकेट की तारीख में कम ही हुआ है। यूं बांग्लादेशी कप्तान ने तमीम इकबाल के जज्बा को इस तरह दाद देकर सबके दिल जीत लिए हैं। आपको बताते चले कि एशिया कप के इफ्तिताही मैच में बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल की कलाई गेंद लगने से टूट गई थी, ताहर वो जरूरत पड़ने पर दोबारा एक हाथ से ही बैटिंग करने ग्राउंड में पहुँच गए थे। इस मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। तो दोस्तों आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी राय नीचे दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया।